हेलो एवरीवन इट्स वेंसडे एंड आज मैं ला चुकी हूँ आपके लिए जुलाई फोर्थ वीक का मिड वीक न्यूज सेशन लेकिन इस वीक इकोनॉमिक्स रिलेटेड बहुत कुछ हो चुका है इकनॉमिक uh, सर्वे आ चुका है बजट आ चुका है एंड हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स एक दिन इकोनॉमिक सर्वे क्यों आता है वो पहले क्यों आता है उसके बाद बजट क्यों आता है एंड इकोनॉमिक सर्वे में क्या बात की गई बजट में क्या बात की गई लेकिन ये आज नहीं होने वाला है इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो या सेपरेट सीरीज जानने को मिलेगी बिकॉज इट्स ह्यूज डॉक्यूमेंट इवन आई एम टेकिंग माई ओन टाइम टू एनालाइज इट क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ ये नहीं लाना चाहती कि बजट में क्या हुआ या इकोनॉमिक सर्वे में क्या बात हुई ये तो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा बट उसके पीछे एनालिसिस कि जो हुआ वो क्यों हुआ एंड आगे वो कैसे इम्पैक्ट करेगा या कितना बेनिफिशियल है किस सेक्टर के लिए क्या चीज बेनिफिशियल है किस सेक्टर के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है तो ये सारी ही डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप बिल्कुल रेडी रहे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत इस बार ऐसा डेटा ऐसे ग्राफ्स ऐसी बहुत सारी चीजें आई है जो बहुत हेल्पफुल हो सकती है एंड सिमिलरली बजट में तो काफी कुछ हो ही गया है जैसे आप में से कई लोगों ने देख लिया होगा नहीं तो पूरा यूट्यूब भरा हुआ न्यूज से अलग अलग वीडियो से जहाँ पे बताया जा रहा है कि अच्छा ठीक है फिजिकल डेफिसिट इतना है रेवेन्यू डेफिसिट इतना है एंड ऑल दैट थिंग मैं आपको एक वीडियो में जब इंटरम बजट आया था तब समझा भी चुकी हूँ कि अः uh, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं अगर फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है तो मैं दोबारा वो चीज रिपीट नहीं करूंगी इस बार हम और थोड़ा डीप जाएंगे और और थोड़ा अच्छा लेवल का एनालिसिस करेंगे जहां पे हम ये बात करें कि अगर ये डाउन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है इकोनमी के लिए कौन सा सेक्टर के लिए हम सारी ही बात डिटेल में करेंगे बट उसके लिए आपको थोड़ा समय इंतजार करना होगा इस, इस वजह से आज ये नहीं आ रहा है लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं लाई हूं आपके लिए जो कि जब मैंने पढ़ी तो दिखने में तो वो बहुत एक सिंपल लग रहा है कि रुपी और रूबल का ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ चुका है यानी इंडिया और रशिया की करेंसी का आपस में जो ट्रांजैक्शन है वो काफी बढ़ चुका है लेकिन इस छोटी सी न्यूज में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिखे मुझे चाहे वो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो चाहे डॉलर है हो चाहे बहुत सारी ऐसी चीजें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिखे जो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को समझने बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज मैं एक ही न्यूज से अलग अलग कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आई हूँ सो वेलकम एवरी वेलकम अगेन टू एक्स क्लासेस मैं हूँ सुरवी एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई शेयर माई स्क्रीन सो दैट आप फटाफट से जान पाए कि आज आपके लिए क्या क्या बातें होने वाली है या क्या स्पेशल न्यूज रहने वाली है तो so, जैसे कि आप स्क्रीन पे ही देख सकते हैं इंडिया एंड रशिया हैव है रूपी रूबल पेमेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से इज लार्जेस्ट रशियन बैंक ओके सो so यही हमारी न्यूज है कि डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शन तो आज हम काफी सारी बातें करेंगे जिसमें से ये लिखा है वेस्टर्न सैंक्शन बट वेस्टर्न सैंक्शन क्या है ठीक है देन क्या बात हो रही है क्या बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आई हैव रियलाइज है कई बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ देती हूँ न्यूज या कुछ बता देती बट देन मेरे पास कोई कोई फीडबैक आता है कि इवन यू नीड टू नो कि उन टर्म्स का भी क्या मतलब है सो डोंट वरी आईव गॉट यू कवर्ड एंड कभी भी ऐसा लगे कि, कि किसी न्यूज वीडियो में कोई टर्म रह गया एक्सप्लेन करना सो डू लेट मी नो आई विल बी हैप्पीली डूइंग सो सो so, इस पूरे न्यूज से क्या क्या चीजें आई हैं सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी क्या होता है इसका क्या मतलब होता है हम क्या बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन क्या है ठीक है आई जस्ट चेंज द कलर हेयर

उसके बाद हम जानेंगे डॉलर है क्या है एंड उसके बाद हम मेन न्यूज पर आएंगे अपनी क्योंकि जब आपको सारे कॉन्सेप्ट पता लग चुके हैं कि इनका मीनिंग क्या है तो आई थिंक फिर आप न्यूज ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाते हैं पहली चीज से जो की है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी अलॉन्ग रोड अहेड सो इंटरनेशनलाइजेशन क्या है आपको ये समझना जरूरी है इट्स यूज तो इंडियन रुपी है इंडियन रुपी का यूज इंक्रीज करना इंटरनेशनल ट्रेड में एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जैसे आपको पता होगा अभी आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है किसी भी कंट्री से बाहर तो वहां आपको डॉलर यूज करना पड़ता है तो इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि रुपी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े और रुपी में हम ट्रांजैक्ट कर पाए ठीक है so, सो इससे क्या होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेटलमेंट सो जो भी बिजनेसमैन है जो यू uh, नो you know, उनको कन्वर्ट कराएंगे अगर करेंसी तो uh, काफी सारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है यानी आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है अगर आपको डॉलर में पेमेंट करनी है और एन इंपोर्टर और आप कुछ इंपोर्ट करता है फॉर एक्जाम्पल आप चाइना से इम्पोर्ट करते हैं तो वो पेमेंट करने के लिए आपको किसी के थ्रू होके जाना पड़ता है जहां पे आपको एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी देनी पड़ती है तो ये चीजें बचेंगी

कि डॉलर uh, का रेट क्यों बढ़ता कम होता है क्योंकि डॉलर की डिमांड और सप्लाई सो so, आप देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड सारा खेल इसी का है जब डिमांड ज्यादा होने लगती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है रेट बढ़ जाता है एक्सचेंज रेट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ठीक है सो so, ये सारी चीजें नहीं होंगी एक स्टेबिलिटी होगी क्योंकि आपको पता है रुपी में भी ट्रांजेक्शन हो सकती है जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस सो वाइडर यूज ऑफ रुपी स्ट्रेंड एस इंडिया ग्लोबल स्टैंडिंग ऑफ कोर्स आई मीन इफ वी नो कि इंडियन रुपी डोमिनेट कर रहा है मार्केट्स में इंडियन रुपी so की एक्सेप्टेबिलिटी है सो ऑफ कोर्स कि यू नो इंडिया की स्टैंडिंग बेटर होगी उसके बाद इकोनॉमिक रेजिलियंस सो लोअर डिपेंडेंस ऑन यूएसडी रिड्यूसेस डी टू एक्सटर्नल शॉक्स सो अगर डिपेंडेंस यूएस में अब क्या हो रहा है यूएस में इलेक्शन में क्या हो रहा है यूएस में यू नो फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है तो ये सारी चीजें इंडियन मार्केट को भी अफेक्ट करती है क्योंकि यूएस डॉलर का हमें रिजर्व रखना होता है हमें उसमें पेमेंट करनी होती है तो एक्सटर्नल शॉक्स जो भी यूएस में हो रहा है वो हमारी कंट्री को भी इम्पैक्ट

प्रेस में तो ऐसा नहीं है मैं उस पर रुक जाती हूँ मैं फिर उसी आर्टिकल की काफी स्क्रूटनी करती हूँ अलग-अलग साइट्स से सुदृष्टि so, आईएएस से मुझे ये सोर्स में ये डेटा मिला था डेटा पॉइंट कि रुपी का शेयर ग्लोबल फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड में सिर्फ 1.6% है लाइक इट्स वेरी मिनस्क्यूल ठीक है देन कैपिटल अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी समझना जरूरी है सो so अभी बस ये लाइन पढ़ लो कि इंडिया अकाउंट यानी इन्वेस्टमेंट इज पार्शली कन्वर्टेबल नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल लिमिटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमिनेंट डोमिनेटेड ठीक है अब ये अभी क्वेश्चन मार्क है नेक्स्ट आर्टिकल में मैंने कवर किया है कि ये है क्या बेसिकली तो अभी रुक जाओ समझ आ जाएगा थोड़ा थोड़ा सा आगे चलते हैं बस वॉलिटैलिटी कंसर्न सो इन्वेस्टर्स माइट हेजिटेट टू यूज अ करेंसी परसीव एज लेस लेसबल स्टेबल दैन यू एस डी ऑफकोर्स मतलब यू नो इन्वेस्टर्स वुड नॉट वॉन्ट कि आप ऐसी कोई करेंसी लो जो इतनी स्टेबल नहीं है या एक्सेप्टेबिलिटी उसकी इतनी नहीं है कॉमन ने क्या क्या स्टेप लिया है स्पेशल रूपी वॉस्त्रो अकाउंट सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउस डेजिग्नेटेड बैंक टू ओपन द अकाउंट फॉर पार्टनर बैंक अब्रॉड फेसिलिटेटिंग बायलेटरल ट्रेड सेटलमेंट

ऑयल ऑयल इंपोर्ट इंपोर्ट किया आपने करता है हमारी कंट्री ऑयल यूएई से इंपोर्ट uh, हुआ और जब ऑयल इंपोर्ट हुआ उसकी पेमेंट करनी थी तो उसका बिल सेटल हुआ रुपी में सक्सेसफुली ठीक है दिस इज अग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स यूजिंग रुपी फॉर मेजर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑल राइट देन केस स्टडी भी है एक राइस एंड फॉल ऑफ द गल्प gulf rupee in 1950s the indian rupee was legal tender in several gulf countries however devaluation of rupee in 1966 led these countries to introduce their own currencies highlighting the importance of a stable currency for internationalization that is यू नो दैलेंज अभी हम ने पड़ेंगे हम डीमोनेटाइजेशन कर देते हैं वैल्यू कर देते हैं तो इन्वेस्टर्स को भी डर लगता है कि हम लोग रुपी में कर रहे हैं बट वो तो बंद ही हो जाए उसकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो जाए तो स्टेबिलिटी उन्हें नहीं लगती जिस वजह से इंटरनेशनली इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ पाती रूपी की ठीक है द रोड अहेड द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी Is a work in progress, right? It is. But we have settled oil import bill, so it, it is, you know, we are working towards it. While India is taking steps to promote its use, challenges still remain. Building trust in rupee stability and further integration with global financial markets will be crucial for its wider acceptance, all right? Then, capital account convertibility. Hai ki kya hota hai. So, capital account convertibility is here. Imagine you're running a lemonade stand. So, I

और आपने एक जार रखा है जिसमें आप अपनी अर्निंग्स डालते हो तो ये जार है इंडियन इकोनॉमी हाँ अदर करेंसी लाइक डॉलर ठीक है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट अब दो तरह के अकाउंट है एक है आपका डेली सेल्स ठीक है वो मनी ट्रैक करता है जो रोज नींबू पानी बेचने से आ रहा है यानी जो भी एक्सपोर्ट आप कर रहे हो ठीक है या आप जा रहे हो बाय शुगर मतलब शुगर खरीदने जा रहे हो कप्स खरीदने जा रहे हो यानी आप इम्पोर्ट कर रहे हो सो so, जो भी आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से अर्निंग हो रही है उस जार में जा रही है वो कैपिटल अकाउंट होता है ठीक है और आप बेसिकली फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो रुपी को फॉर दीज एवरीडे ट्रांजेक्शन जैसे इंडिया अलाउ करता है फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इंटरनेशनली ठीक है यहाँ तक ओके है उसके बाद कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं ये आपका पिगी बैंक है अब आपके पिगी बैंक में एक आपका जार है जो रोज की खर्चे जा रहा है आपने एक जार रखा है नाइन्टीज के लोगों को याद होगा या इवन आप नहीं हो तो वो पिग आता है पिगी पिगी जैसा दिखता है क्यूट सा और उसमें सिर्फ एक लाइन होती है मतलब एक छोटा सा होल होता है जिससे आप कॉइन्स या करेंसी डाल सकते हो बेसिकली आप निकाल नहीं सकते उससे बट आप डाल देते हो उससे उसमें ठीक है तो वो एक पिगी बैंक है वेयर यू सेव योर प्रॉफिट जो जो बच गया जो आपको सेव करना है जो अलग रखना है वो अपने पिगी बैंक में डाल देते हो ठीक है सो यू सेव योर टू इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक बिगर स्टैंड सो आपने क्या किया डेली ट्रांजेक्शन तो जार में रख लिया जार में उतने पैसे रखे जो आपको या तो शुगर और कप खरीदने के लिए चाहिए या जो लेमिनेट बेच के आ रहा है लेकिन कुछ एक ऐसा पैसा है आपने फ्यूचर में भी सोचा आज तो मेरा लेमिनेट बस स्टॉल है कल को मैं यहाँ पे मशीन लगाऊंगा फैंसी कप लाऊंगा मैं इस स्टॉल को और बड़ा करूंगा

सो so, आप कितने रुपीस से अपने रुपीस से उसके शेयर ले सकते हो ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बताता है ठीक है और इन्वेस्ट इन अ न्यू मशीन फॉर अनदर बिजनेस वेंचर सो ये आपको कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी बताता है तो अब यहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी का कहां से असर आता है अभी हमने कैपिटल अकाउंट देख लिया अब कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का क्या मतलब है इसका मतलब है दिस इज लाइक हैविंग नो लिड ऑन योर पिगी बैंक आपका पिगी बैंक अगर खोल दिया जाए उस पर कोई लिड नहीं है यानी आप उससे कभी भी कोई भी पैसा निकाल सकते हो कितने भी रुपये निकाल सकते हो और उन्हें डॉलर के लिए जभी भी आपको मन करे आप उसे निकाल के इन्वेस्ट कर सकते हो ठीक है कुछ कंट्रीज ने ये अलाउ करा हुआ है बेसिकली पिगी बैंक पे कोई वो नहीं है इसका मतलब है अगर इंडियन इकोनॉमी वाइज देखे सो so हमारा जितना भी करेंसी है जितना भी हम रुपी है वो सारा का सारा कन्वर्ट कर सकते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पार्शल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो की इंडिया का केस है इसका मतलब है इमेजिन योर पिगी बैंक हैज स्मॉल स्लॉट एक छोटा सा स्लॉट ओपन है बस छोटा सा ठीक है, यानी आप एक limited amount of रुपी at a time ही उससे निकाल सकते हो या डाल सकते हो, ठीक है सो पुट इन सी दोनों चीजें लिमिटेड अमाउंट ही आप डाल सकते हो लिमिटेड अमाउंट ही आप निकाल सकते हो दिस इज सिमिलर टू इंडिया करंट सिचुएशन द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन फॉरन वाइस वर्सा कुछ ही अमाउंट uh, आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉरन असेट में एंड कुछ ही अः अमाउंट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरनर्स इंडियन असैट में ठीक है बट विद लिमिट्स टू कंट्रोल फ्लो ऑफ मनी लेकिन लिमिट्स हैं हर चीज की लिमिट्स है हमारे यहाँ फ्रीली लिड ओपन नहीं है कि कितना भी कर लो ऐसा क्यों है लेकिन ठीक है हमारी गवर्नमेंट ने एक स्मॉल स्लॉट क्यों दिया है पिगी बैंक में पूरे जार का लिड क्यों नहीं खोल दिया है? इसलिए है ऐसा क्योंकि यू नो थिंक ऑफ इट लाइक दैट इफ सडनली टू टू टेक आउट ऑल देयर रुपी फॉर सम न्यू इन्वेस्टमेंट क्रेज कोई नया इन्वेस्टमेंट क्रेज आया है और हमारी कंट्री में तो होता भी है uh, क्या हुआ uh, आपका uh, एक ने शुरू किया सबने शुरू कर दिया एंड सबने अपने रुपी निकाल लिए ठीक है अब मतलब ये वो बात हो गई कि आपके लेमिनेट जार में अब उतना पैसा भी नहीं बचा कि आप रोज का लेमिनेट का ग्लास बनाने के लिए एक कप या शुगर खरीद

फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसिस एंड हाउ मच कंट्रोल द गवर्नमेंट हैज ओवर दैट एक्सचेंज ठीक है अगर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है तो फुल

कंट्रीज को कुछ भी कोई भी कंट्री मतलब इंडिया और चाइना का ट्रेड भी डॉलर में हो रहा है या इंडिया और किसी भी कंट्री से आप ट्रेडर हो लेकिन ट्रेड आप डॉलर में कर रहे हो तो so, ये इसीलिए डॉलर इज वी से गेम्स सो डॉलर डूड मोस्ट पॉपुलर बोर्ड गेम्स एवरी वन वॉन्ट्स टू प्ले बट गेस वॉट यू नीड डॉलर टू प्ले This is similar to how some important financial transactions, like pricing oil, are done in dollars. Even if a country doesn't use dollar itself, जैसे पहले रशिया और आ, इंडिया के बीच में हो रहा था डॉलर में करना पड़ेगा आपने कुछ भी इंपोर्ट किया रशिया से ऑयल इम्पोर्ट किया पेमेंट डॉलर में करोगे सो ना रशिया डॉलर मतलब ना रशिया की करेंसी है ना ही इंडिया की करेंसी है बट आपका डॉलर में एक्सचेंज हो रहा है ठीक है

सो डॉलरजेमिनी अब डॉलर हैजेमिनी क्या होता है डॉलर है इट्स नॉट दैट यू आर कूल बिकॉज यू आर इंटरनली कूल इट्स लाइक एवरीबडीज यू नो चढ़ा दिया आपको कि आप कूल हो और इस वजह से आप कूल हो नॉट बिकॉज आप जेनुनली हो दैट इज द ठीक है जेनुअनली भी हो लेकिन बाकी लोगों ने चढ़ा चढ़ा के और ज्यादा ऊपर पेडस्ट्री पे खड़ा कर दिया आपको लोअर बोरोइंग डोट कैन बोरोच मनी फ्रॉम अदर किड्स एट अ लोअर रेट क्योंकि उसके पास डॉलर्स हैं, सबको पता है कि वो तो पे कर ही देगा वापस उसकी करेंसी स्टेबल है तो इसलिए उसपे यू नो वो मांग भी रहे अगर कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है बट स्टिल इट्स अ सेफ बेट Power to influence. If someone misbehaves at school, Dollar Dude might refuse to play games with them. This is like how US can use its dollar dominance to impose sanction on other countries, limiting their ability to participate in global financial system. This is what sanction means. Hai? Yani dollar Dude, ke dollars hai, you know. So, if se nahi

Similarly, if the U.S. economy weakens or its policy changes, it could affect stability of the dollar and disturb the global financial system because everybody is being dependent on them. Apne -apne currency mein trade karte, itna asar na external shocks ka. Hai, Connect karo हर किसी को यूएस कंट्री नहीं पसंद वन एल्स प्लेस विद बाई हिज रूल सो इमेजिन डॉलर डूड है वो मुझे नहीं पसंद ठीक है पर मुझे आप पसंद हो पर मुझे डॉलर डूट को झेलना पड़ रहा है क्योंकि आपको डॉलर डूट पसंद है और मुझे आप पसंद हो समझ रहे हो इट्स लाइक ए लाइक्स बी A equals to B, but B equals to C, which is why A has to be equal to C. Law of transitivity. Mera mood hai ki, you know uh, A equals to C ho, lekin A equal to C karna because A ko bhi B pasand hai aur B ko C hai. That is the thing. Chikhe? so that's the scene here, and uh, yeah, so dollar hegemony is a complex situation with both benefits and drawbacks. It's like being the coolest kid; it has its perks, but it also comes with some responsibility. of ठीक है सो विद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम आ चुके हैं हमारे मेन आर्टिकल पे यानी द रुपीज ग्लोबल एम्बिशन अ न्यू चैप्टर इन इंडिया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ओके सो

एंड द यूरोपियन यूनियन फॉलोइंग इट्स इनवेजन ऑफ यूक्रेन ठीक है सो so, ये एक चीज हुई है यहाँ पे कि आपको ये समझना जरूरी है कि जो uh, बेसिकली so, क्या बात हो रही है यहाँ पे कि uh, आपका जो इम्पोजिशन है जो सैंक्शन लग गया था यानी रशिया ने जो यूके का इन्वेजन किया फॉलोइंग दैट मतलब सैंक्शन uh, लग चुके थे रशिया पे एंड इट ट्रिगर अ शिफ्ट इन ग्लोबल फाइनेंशियल रिलेशन यानी कुछ तो दिक्कत हुई अब क्या दिक्कत हुई दीज वर डिजाइन टू आइसोलेट रशिया इकोनॉमिकली ऐसे सैंक्शन लगा दिए गए कि रशिया को आइसोलेट किया जाए इन्हों पनिशमेंट दी जाए ठीक है और उसको इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दिया जाए एंड की कॉम्पोनेंट ऑफ दिस स्ट्रेटजी वॉज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम यानी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से आ, आ, आपको अवे पनिशमेंट मिलेगी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे आप यूएस डॉलर में ट्रांजैक्ट नहीं कर पाओगे सो आपकी इकोनॉमी ओवरऑल कितनी इंपैक्ट हो जाएगी और यही इरादा था

Interbank financial telecommunication that is SWIFT. SWIFT is a secure messaging system used by banks and financial institutions globally to facilitate cross-border financial transaction. By cutting off Russian bank from SWIFT, the West aimed to cripple Russia's ability to conduct international trade and financial operations. Okay. दिस इज अंडरस्टुड आई थिंक अभी तक द चैलेंज रशिया और इंडिया के लिए क्या हुआ फॉर रशिया द एक्सक्लूजन फ्रॉम स्विफ्ट मेट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन कंडक्टिंग ट्रेड पर्टिकुलरली फॉर एनर्जी एक्सपोर्ट्स यानी जो उन्हें ऑयल एक्सपोर्ट करना है एनर्जी एक्सपोर्ट है उसमें बहुत दिक्कत होगी क्योंकि uh, जब एक्सपोर्ट करेंगे और जो पेमेंट आनी होगी अब वो पेमेंट में दिक्कत होगी विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू सिमिलरली फॉर इंडिया अग्निफिकेंट इम्पोर्टर ऑफ रशियन एनर्जी द स्विफ्ट रिस्ट्रिक्शन पोस्ट हर्डल्स इन मेकिंग इंडिया के लिए भी रशिया से एनर्जी इम्पोर्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं सेम फॉर रशिया दोनों को दिक्कत हो रही थी तो दोनों ने कहा कि इनकी नहीं चलने देंगे एंड ये वेस्ट हम पे कितनी सैक्शन लगा ले हमें एक्सक्लूड कर दे फाइनेंशियल ऑपरेशन से ठीक है और uh, ना करने द इंटरनेशनल ट्रेड बट वी वोट स्टॉप हेयर सो उन्होंने कहा रुपी रूबल सोल्यूशन निकालते हैं. रुपी इंडिया की करेंसी रूबल रशिया की करेंसी इन्होंने ये सोल्यूशन निकाला इन रिस्पॉन्स टू दीज चैलेंजेस इंडिया एंड रशिया बिगेन एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेजम्स रुपी रूबल ट्रेड इमर्ज एज अ वायबल सोल्यूशन टू बायपास द स्विफ्ट सिस्टम बाय सेटलिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन इन देर रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल करंसीज बोथ कंट्रीज कुड कंटिन्यू देर इकनॉमिक रिलेशनशिप विदाउट बींग एंटायरली रिलायंट ऑन द डॉलर डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ये वही बात हो गई जवाब देने वाली की आप डॉलर में डोमिनेट करने की कोशिश करोगे और आप हमारी कंट्री को भी इम्पैक्ट करोगे अपने उसके चक्कर में एजेंडा के चक्कर में क्योंकि आपका डॉलर एक ग्लोबली एक्सेप्टेबल करेंसी है सब लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं की आपने कुछ डिसाइड की और सब इम्पैक्ट होंगे उससे तो उन्होंने कहा हम अपना सोल्यूशन निकालते हैं की बेनिफिट क्या हुआ इसमें रिड्यूस्ड हो गई डिपेंडेंस ऑन डॉलर ठीक है अपनी अपनी ओन करेंसी जब यूज की इंडिया और रशिया ने तो उनकी वेलनरेबिलिटी टू फ्लक्चुएशन इन डॉलर एक्सचेंज रेट उससे रिडक्शन हो गई देन सर्कमेंशन ऑफ सैंक्शन सो द ट्रेड हेल्प बोथ कंट्रीज बायपास द स्विफ्ट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज द वेस्ट ठीक है देन स्ट्रेंथेन बायलेटरल इकोनॉमिक टाइज आपस में इकोनॉमिक टाइज भी तो स्ट्रेंद uh, हुए आपस में ट्रस्ट भी तो स्ट्रेंथन हुआ कि कोई तीसरा आपके बीच इंटरफेयर कर रहा था तो आपने उसको हटा के आपस में कम्युनिकेट करने का सोचा आपस में अपने बायोलिट्रल ट्रांसैक्शन स्ट्रेंदन करने की सोची तो अपने रिलेशन भी स्ट्रेंदन होंगे ना क्योंकि पहले क्या हो रहा था कोई थर्ड पार्टी गवर्न कर रही थी आपको तो वो थर्ड पार्टी आपको इंस्ट्रक्ट करती थी आप ऐसा करो तो ऐसा करोगे तो दोनों कंट्रीज के बीच स्टेट डायरेक्ट था बट इट वॉज गवर्न बाय द थर्ड पार्टी तो उन्होंने वो थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करके आपस में जब ट्रेड करा आपस में एक दूसरे की करेंसी पे जब ट्रस्ट करा तो उनके बीच स्ट्रेंडन हुए उनके बायलिटरल टाइज ठीक है डीपर इकोनॉमिक कोऑपरेशन देखने को मिला सो इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट रूपी रूबल ट्रेडमेंस कोई भी देखो, के तो नहीं आती मतलब अभी भी थर्ड पार्टी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपस में आप दोनों के मतलब आ, दो कंट्रीज है तो उन दोनों के बीच भी कोई चैलेंजेस नहीं है बिल्कुल है ठीक है सो देर आर सर्टेन चैलेंजेस हाउ एवर द इमर्जेंस ऑफ दिस न्यू ट्रेड कॉरिडोर सिग्निफाइज अ ग्रोइंग ट्रेंड टूवर्ड्स करेंसी डायवर्सिफिकेशन इन ग्लोबल ट्रेड हम इनावे ये बोल रहे हैं कि आप डॉलर डोमिनेट कर रहे हो और आप अपनी मर्जी अगर चलाओगे दूसरी कंट्री भी इंपैक्ट होंगी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं होने देंगे ऐसा और इसलिए फिर ग्लो, ग्लोबल शिफ्ट आएंगे धीरे धीरे करके इस तरह से कि आपकी करेंसी जो आज की डेट में डॉलर डूडन किंग है वो कल को ऐसा हो सकता है कि रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो या कोई और करेंसी में एक्सेप्टेबिलिटी हो ट्रेड की तो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही है और डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो रही है Okay. Energy security and diversification, India's growing energy needs and Russia's abundant oil and gas resources created a natural synergy. The rupee-ruble trade facilitated smooth transaction for energy imports. Okay, then economic complementarity: uh, India and Russia possesses.

ठीक है द पोटेंशियल एज ग्लोबल करेंसी अब हमें जानना है कि रुपी का पोटेंशियल क्या है एज अ ग्लोबल करेंसी द इंक्रीज यूज ऑफ रुपी इन इंटरनेशनल ट्रेड सिग्निफाइज अ ब्रॉडर ट्रेंड टूवर्ड्स करेंसी डाइवर्सिफिकेशन वाइल डॉलर रिमेन्स द डोमिनेंट ग्लोबल करेंसी द रुपीज रोल इन इंडिया रशिया ट्रेड कॉरिडोर कुड बी स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स ग्रेटर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस क्योंकि अब ये हुआ है तो कल को किसी और पे अगर सैंक्शन लगती है तो उन कंट्रीज के पास रशिया और इंडिया का एग्जाम्पल है कि आप डायरेक्ट ट्रांजेक्ट करो अपनी अपनी करेंसी में और धीरे धीरे अगर ऐसा होने लगा तो रुपी का डोमिनेंस बढ़ने लगेगा ठीक है नॉट डाइवर्सिटी डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगी करेंसी के रुपी का धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी पर अभी भी ना इसमें कुछ चैलेंजेस है And ये चीज अचीव करने के लिए एक प्रॉपर रुपी का पोटेंशियल निकालने के लिए निखारने के लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया क्या करे ये कुछ फॉलोइंग स्टेप्स ले इंडिया स्ट्रेंथन करे डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट और रोबस्ट डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट इज एसेंशियल फॉर अ करेंसी टू गेन ग्लोबल क्रेडिबिलिटी यानी आपकी डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट में अगर स्टेबिलिटी होगी तो बाहर वाले वो देखकर यू you नो know, एक तरह से सॉफ्ट पावर है अगर आपके कंट्री में सब अच्छा चल रहा है वो देखकर ही बाहर वाले का ट्रस्ट आप पर आएगा अदरवाइज नहीं आएगा

कि एक्टिव एंगेजमेंट रखो ग्लोबल ट्रेड में एंड अट्रैक्ट करो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ठीक है रुपी की डिमांड बढ़ेगी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट अगर करना चाहता है हमारी कंट्री में तो उन्हें हमारी रुपी में करना पड़ेगा वो हमारी रुपी का डिमांड करेंगे हमारी रुपी का वैल्यू स्ट्रेंदन होगा ठीक है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इंडिया नीड्स टू एक्टिवली प्रमोट द रुपी एज अ वायबल करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं ऑपरचुनिटीज भी हैं द वी रूबल ट्रेड प्रेजेंट सिग्निफिकेंट ऑपर्चुनिटीज चैलेंजेस स्टिल रिमेन चैलेंजेस क्या है वॉलिटैलिटी इन एक्सचेंज रेट देन काउंटर पार्टी रिस्क एंड लिमिटेड लिक्विडिटी इन रूपी the rupee market are some of the hurdles however with careful planning and strategic execution india can position the rupee as a credible global currency reducing dependence on dollar and contributing to more balanced international monetary system okay so in essence the rupee journey the rupee's journey into the global arena is a testament to india's Growing economic stature and its ability to adapt geopolitical shifts. All right, so with this, we have come to an end of this video. And I know it was only one article, but I really hope. कि uh, मैं हर बार इतने आर्टिकल्स लाती हूँ उससे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है बट आज एक ही आर्टिकल से काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो हु, काफी इन्फॉर्मेशन मिली हो एंड काफी कुछ समझ आया हो न्यू टर्म्स जानने को मिले हो कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है डॉलर हजमनी क्या होता है फुल कन्वर्टेबिलिटी पार्शल कन्वर्टेबिलिटी सैक्शन लगना ठीक है स्विफ्ट क्या होता है एंड हाउ स्टिल कंट्रीज कैन ट्रेड विद इन दम सो आई होप ऑल दिस एनालिसिस वॉज रेल हेल्पफुल फॉर यू रेस्ट मैं आपको आजकल हर वीडियो में एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर आपको मुझसे कुछ और चाहिए सो डू लेट मी नो कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके हैं वीडियो लाइक करिए ताकि मुझे पता हो पसंद आ रही है मुझे मेल कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है वहां पर इसका भी पीडीएफ आ जाएगा जो आज मैंने आपको कराया है ताकि आपको फ्यूचर में कभी उसको रेफर करना हो सो आप बिल्कुल कर सकते हैं आई वुड सजेस्ट की मैंने जुलाई में जितने भी करंट अफेयर के पीडीएफ शेयर करें उसको आप एक जगह एक कल्बिनेशन बना ले जुलाई के इकनॉमिक करंट अफेयर का साथ ताकि आपको

बट इट वुड बी रियली ग्रेट कि अगर आप ये चीज़ कम्युनिकेट करते रहे बिकॉज आई ऑलवेज से हेल्दी कम्युनिकेशन इज द की एंड जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे चीजें सॉर्ट नहीं होती क्लियर नहीं होती सो प्लीज बताइए कि आपको क्या चाहिए और अगर जो है वो अच्छा लग रहा है तो भी प्लीज बताइए मैसेज करिए या फिर यू नो यू कैन प्रॉब्ली लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कम्युनिटी टैब पे मैं बहुत एक्टिव हूँ यूट्यूब पे आजकल सो so आप वहाँ पे जाके मेरे पोस्ट भी पढ़ सकते हैं इलेवन ए एम मंडे टू फ्राइडे रोज एक नया पोस्ट आता है और उसके अलावा बहुत चीजें मैं ऐसे करती रहती हूँ अदर देन टीचिंग वो भी मैं शेयर करती हूँ सो आई होप यू लाइकिंग एवरीथिंग एंड आई एल सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय